अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका स्मार्ट किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है आलू गोश्त। तो इसे बनाने के लिए प्रेशर कुकर में 2 बड़े चम्मच तेल को हमने गर्म कर लिया है। सबसे पहले हम आलूओं को फ्राई कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर छोटे साइज के 7 से 8 आलू लिए और इन्हें छील लिया है। अगर आपके पास में छोटे साइज के आलू ना हो तो मीडियम साइज के 2 आलू लें और इन्हें छील कर 1 आलू में से 4 पीस कर लें। जैसे यहाँ फुलपा जाएंगे और आलू को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। आलू जब अच्छे से फ्राई हो जाए, ये देखिए आलू अच्छी तरह फ्राई होगा, ये ऊपर से थोड़ी सी क्रिस्पी दिखने लगे हैं, तो अब इसे हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से साबुत मसाले, तो लौंग, काली मिर्च, जीरा, दालचीनी और तेज पत्ता। मसाला जब हल्का सा तड़क जाए तो इसमें हम डालेंगे 700 ग्राम मटन। मटन को हमने अच्छी तरह धो लिया है। मटन जब थोड़ा सा फ्राई हो जाए, हमने इसे 2 से 3 मिनट फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज का पेस्ट। तो यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज की प्याज को पीस लिया है, ये डाल देंगे। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। ये सारी चीजों को थोड़ी देर भून लेंगे। गैस को भी हमने फुल पर रखा है। 4 से 5 मिनट मसाले को भूनने के बाद में अब इसमें हम डालेंगे पाउडर मसाले। तो 2 टेबल स्पून के करीब डालेंगे हम धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। 3 मीडियम साइज के टमाटरों को बारीक काट लिया है, ये डाल देंगे। गैस को यहाँ फुल पर करेंगे और ये सारी चीजों को थोड़ी देर हम भून लेंगे। तो मसाले को हम थोड़ी देर भून लेंगे। गैस को हमने यहाँ फुल पर रखा है और थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह चलाते हुए भून लेंगे। मसाले को 8 से 10 मिनट भूनने के बाद में अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो 1 गिलास के करीब हम पानी डाल देते हैं इसमें। 1 गिलास पानी डालने के बाद में अगर आपको लगे कि पानी कम है और मटन अच्छी तरह नहीं गल पाएगा तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दें। अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब इसका लगा देंगे हम ढक्कन और 3 से 4 सीटी हम इसमें लगा लेंगे, या तब तक गला लें जब तक कि आपका मटन अच्छी तरह गल नहीं जाता। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर 3 से 4 सीटी हम लगा लेंगे। मटन अच्छी तरह गल गया है, ये देखिए। अब इसमें हम डालेंगे आलू। तो ये आलू डाल देंगे, कसूरी मेथी और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और ये मसाले को अच्छी तरह हम भून लेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका पानी अच्छे से सूख नहीं जाता। मसाले जब अच्छी तरह भून जाए और ये आलू अच्छे से गल जाए तो अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी आप अपने हिसाब से डाल लें, जितनी गाढ़ी या पतली ग्रेवी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप पानी डालें। इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अगर ये गाढ़ी होगी तो हम थोड़ा सा पानी इसमें और डालेंगे। गैस को करेंगे यहाँ थोड़ा मद्दा और इसे हम ढक देंगे और ढक कर हम इसे 8 से 10 मिनट पकने देंगे। ढक कर पकाने के बाद में ये सालन अच्छी तरह पक गई है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे एक बार मिक्स करेंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तो आलू गोश्त बनकर तैयार है। रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।